नवाही इलाके जम्बेड़ा में दरिया सिंध के किनारे अबासीन खैर खेगड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच बाड़ी ग्लेडिएटर और डोंगा स्टार्स के दरमियान खेला गया। डोंगा स्टार्स के कैप्टन मोहम्मद उमैर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रा 8 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 70 रन का हदफ दिया, जबकि मुखालिफ टीम बाड़ी ग्लेडिएटर ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 5.4 ओवर्स में टारगेट को चेस करते हुए फाइनल मैच जीतकर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। अबासीन खैर खेगड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 10 टीमों ने हिस्सा लिया, जो कि विलेज कौंसिल जम्बेड़ा तक महदूद था। अबासीन खैर खेगड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर खुर्शीद अहमद खान का कहना था कि तहसील अलाई के पसमानदा गांव जम्बेड़ा के जवानान में टैलेंट मौजूद है, लेकिन इनको डिलीवर करने के लिए इनके पास मौके नहीं होते। जवानों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेलों का इनेकाद करना नागुजीर है, इसलिए मैंने अबासीन खैर खेगड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट की बुनियाद रखी ताकि दीगर समाजी सरगर्मियों के साथ साथ जवानान में खेल कूद के रुझान भी परवान चढ़ सके और दीगर गैर इखलाकी सरगर्मियों से दूर रहकर खेलों की तरफ तवज्जो दे सकें। लेकिन यहाँ महदूद वसाइल को बुरुए कार लाकर ग्राउंड के लिए मुनासिब जगह न होने के बावजूद भी हमने इस पथरीले ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट को आसान तरीके से इख्तितामी मरहले तक पहुँचाया। इसके बाद एक और बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, जो पूरे तहसील अलाई की सतह पर मुनक्किद होगा। क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी सियासी रहनुमा साबिक उम्मीदवार कौमी असेंबली सैयद अहमद मलकाल और चेयरमैन तहरीक इनकलाब पॉलिटिकल मूवमेंट नईम शाहीन थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और अबासीन खैर खेगड़ा फलाही तंजीम के साथ भरपूर तावुन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर नईम शाहीन का कहना था कि अलाई के जवानान में जबरदस्त टैलेंट मौजूद है, जो मुल्की सतह पर भी अपना लोहा मनवा सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सबका हुक्मरानों ने यहाँ के जवानों को एक सोचे समझे मनसूबे के तहत बुनियादी हकूक से महरूम कर रखा है।